सर, आपसे सवाल मेरा ये है, गुआगा वन जीपी में EITSEC कार्ड के बारे में खुलासा बताएं पब्लिक को ताकि पता चले। सरकार मीन्स गवर्नमेंट गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस टू द डोर ईस्ट, दरवाजे के पास जो है गवर्नमेंट को लिया के खड़ा कर देना। गवर्नमेंट को लिया के खड़ा कर देना माने गुड गवर्नेंस का ये प्रमाण है। दूसरी बात, बेनिफिशियरी को जो है साथ लेकर के यहीं से जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहीं से फाइनल हो जाएगा। सर, साधारण मानस की सुविधा पावे? साधारण पब्लिक 7-8 ভোটগুলো আছে, ওখানে দেখে নেব ভোটটা কী কী আছে। 11টা প্রকল্প আছে, ওর মধ্যে কন্যাশ্রী, যুব শিক্ষাশ্রী, তারপরে রূপশ্রী, তারপরে তোমার রাশন, ফ্রি রাশনিং, তারপরে খাদ্যসাথী, তারপরে তোমার কৃষক বন্ধু, এগুলো 11টা আমাদের পরিকল্পনা আছে। স্যার, স্যার কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে কিছু বলছিলেন, যে ওই সাথে কী কী আমাদের সুবিধা পাবে সাধারণ মানুষ? স্বাস্থ্যসাথীতে একটা যদি তিনি যদি এখন ইয়ে করে রেজিস্ট্রি করে, ভাই এরাও সবাই পাবে, ওই সাথে 5 লক্ষ টাকা। এটা সারা ভারতের কোনো জায়গায় নেই, এটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সব থেকে বড় উদ্যোগ। আমাদের গল্প করে কোথায় মানে যে সাধারণ মানুষ যে ওখানে সুবিধাটা পাবে ওই জায়গাটির নাম একটু বলবেন, মানে ওটাকে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবেন? आपसे हम एक सवाल करते हैं, यहाँ गुआगा वन आज जो प्रोग्राम रखा है इसके बारे में थोड़ा खुलासा बता दीजिए आवाम को। ये हमारा ममता बनर्जी का, हमारा माननीय चीफ मिनिस्टर का जो उन्नयन का धारा चल रहा है अभी पूरे बंगाल में चल रहा है। पहले हम लोगों का पद्मश्री का स्कीम इनोग्रेशन किए थे हमारे दीदी, हमारे माननीय ममता बनर्जी, और अभी हमारा 11 स्कीम यहाँ पर स्टार्ट किया गया है इसको। सर, और हम जानने चाहेंगे कि इसमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है? इसमें आपका स्वास्थ्यकालिक स्वास्थ्य जो हमारे दीदी बोले हैं 10 करोड़ आदमी का स्वास्थ्य कार्ड बना के देंगे, इसी का यहाँ का फॉर्म अप्लाई हो रहा है स्वास्थ्य कार्ड का, उसके बाद रूपश्री का हो रहा है, उसके बाद क्या आपका किसान क्रेडिट कार्ड, इस तरह से बहुत सारे स्कीम है हमारे ग्वालपुर के जनता को मिल सकते हैं इससे ज़्यादातर स्कीम का बेनिफिट, इसलिए यहाँ पर आज हम लोगों का कैंप लगाया गया है। इसको फिर घर घर तक हम लोगों को पहुँचाना पड़ेगा, हमारे जितने भी ग्राम पंचायत के स्टाफ है, ब्लॉक के स्टाफ है, सब इसमें लगे हुए हैं।